लोअर मिड रेंज और बजट सेगमेंट मार्केट कवर करने के बाद अब Realme फ्लैगशिप में भी एंट्री करने वाला है Realme X2 Pro, Realme की तरफ से आने वाला फर्स्ट फ्लैगशिप डिवाइस, जो कि अक्टूबर मिड में चाइना और यूरोप में लॉन्च होने वाला है और जिसका ऑफिशियली स्पेसिफिकेशन Realme की तरफ से रिवील कर दिया गया है। तो वीडियो में आगे हम Realme X2 Pro के कन्फर्म स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करने वाले हैं, किस प्राइस पर यह डिवाइस लॉन्च होगा और इंडिया में ये डिवाइस कब तक देखने को मिलेगा। तो हे गाइस, मैं हूं महेश, आप देख रहे हैं सिस्टेक बना। तो गाइस, Realme का सोशल हैंडल हो या फिर ऑफिशियल वेबसाइट, Realme X2 Pro को Realme की तरफ से अच्छे से टीज किया जा रहा है और ये डिवाइस बहुत ही जबरदस्त स्पेसिफिकेशन के साथ में आने वाला है और ऐसे प्राइस सेगमेंट पर देखने को मिलेगा जो अभी तक आपको इन स्पेसिफिकेशन के साथ में किसी अदर मोबाइल मैन्युफैक्चरर ने नहीं दिए हैं। तो गाइस, अगर कंफर्म स्पेसिफिकेशन की बात करें तो Realme X2 Pro क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 855 प्लस चिपसेट के साथ में आएगा। फ्लैगशिप ग्रेड एक ऑक्टाकोर प्रोसेसर है जो कि 2.9 गीगाहर्ट्ज़ पर क्लॉक करता है और क्वालकॉम की तरफ से अब तक का सबसे पावरफुल चिपसेट है और फर्स्ट टाइम ये प्रोसेसर आपको बेस्ट प्राइस सेगमेंट पर देखने को मिलता है। मतलब बाकी अदर डिवाइस जैसे कि OnePlus 7, Redmi K20 Pro की अगर बात करें तो उनसे भी काफी चीप प्राइस पर देखने को मिलेगा। सेकंड जो सबसे बड़ा फीचर है वो है इसका डिस्प्ले। Realme X2 Pro के साथ में आपको 6.55 इंचेस का एक वाटर ड्रॉप नॉच वाला डिस्प्ले देखने को मिलेगा जो कि फुल HD प्लस रिजोल्यूशन के साथ में आएगा और सबसे अच्छी बात है कि इस डिवाइस के साथ में आपको 90Hz के रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले भी देखने को मिलेगा जो इससे पहले आपको OnePlus 7 जैसे डिवाइस के साथ में देखने को मिला था। तो डिस्प्ले बहुत ही जबरदस्त रहेगा और यहाँ पर आपको डिस्प्ले में अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिलने वाला है। अब अगर बात करें तीसरे बड़े फीचर की, वो आता है इसका कैमरा। Realme X2 Pro के साथ में आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है जहां 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर 20x हाइब्रिड जूम फीचर के साथ में देखने को मिलेगा और जो कैमरा प्लेसमेंट है वो आपको इस बार डिवाइस के मिड में देखने को मिलेगी जैसा कि आपको Realme X के साथ में देखने को मिला था। तो पर्सनली मुझे ये चेंज काफी अच्छा लगा है Realme की तरफ से, आपको कैसा लगा है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। और इसके अलावा बाकी जो कैमरा सेंसर्स है वो आपको एग्जैक्ट वही देखने को मिलेंगे जो Realme XT के साथ में देखने को मिले थे। अब अगर बात करें फ्रंट कैमरा की तो यहाँ पर डिवाइस के साथ में आपको 32 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा भी देखने को मिलेगा। गाइस, Realme X2 Pro एक फ्लैगशिप डिवाइस होगा तो यहाँ पर काफी प्रीमियम क्वालिटी आपको देखने को मिलेगी जहाँ रियर और फ्रंट साइड में आपको ग्लास बैक देखने को मिलेगा जो कि 3D ग्रेडियंट फिनिशिंग के साथ में आएगा और यहाँ पर आपको गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी देखने को मिलने वाला है। Realme X2 Pro के साथ में आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर्स भी मिलने वाले हैं और जो डॉल्बी एटमॉस है उसका सपोर्ट भी देखने को मिलेगा, मतलब म्यूजिक लवर्स के लिए बहुत ही बड़ी डील होने वाली है। Realme X2 Pro पावर करेगा 50 वोट की सुपर फास्ट वुक फ्लैश चार्जिंग जो इस प्राइस सेगमेंट में पहली बार आपको मिलने वाली है। बैटरी एटलीस्ट 4000 mAh तक की देखने को मिलेगी और इस डिवाइस को आप ओनली 35 मिनट में ही फुल चार्ज कर पाएंगे। Realme X2 Pro दो वेरिएंट 6GB 128GB और 8GB 256GB के साथ में देखने को मिलने वाला है। ये डिवाइस एंड्रॉइड 9 पाई पर रन करेगा जो कि कलर ओएस 6 के साथ में आएगा, बट इंडिया में ये डिवाइस जब तक आएगा शायद से आपको यहाँ पर एंड्रॉइड 10 और Realme OS भी देखने को मिल सकता है। गाइस, अब बात करते हैं इस डिवाइस के लॉन्च डेट और प्राइसिंग को लेकर। तो मिड ऑफ द अक्टूबर ये डिवाइस चाइना और यूरोप में ऑफिशियली लॉन्च हो जाएगा और इसकी जो प्राइसिंग होगी वो 2500 से 3000 युआन के बीच में रहने वाली है। मतलब इंडिया में ये डिवाइस 30000 के प्राइस सेगमेंट पर देखने को मिलेगा। और अगर बात करें इस डिवाइस के लॉन्च डेट की तो ये डिवाइस जिस तरह से अक्टूबर मिड में चाइना में लॉन्च हो जाएगा तो ऐसे बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये डिवाइस आपको नवंबर लास्ट तक या दिसंबर फर्स्ट वीक तक डेफिनेटली इंडिया में देखने को मिलेगा। हालांकि इंडिया में ये डिवाइस डिफरेंट नेम के साथ में आ सकता है, हो सकता है Realme XT Pro या फिर Realme X Pro के नाम से देखने को मिल जाए। आपको क्या लगता है यार, नीचे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ज़रूर से बताना। बाकी जो प्राइसिंग होगी यार वो 25 से 30 हज़ार के अराउंड ही देखने को मिल सकती है और OnePlus 7 और Redmi K20 Pro जैसे ब्रांड को बहुत ज़्यादा कंपटीशन इस डिवाइस के थ्रू मिलने वाला है। तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ इस डिवाइस के बारे में, क्या आप एक्साइटेड हैं? गाइज, लास्ट वीडियो में जैसा कि आप लोगों का बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, सो थैंक यू सो मच आप लोगों के सपोर्ट के लिए। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरी इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलता हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में।